वो हल्का सा आयनाइज करता है राइट दिस इज समथिंग दैट वाटर डज व्हाट डज वाटर डू वाटर विल आयनाइज स्लाइटली इट विल ब्रेक इनटू नो माइनस क्यों ये इंटूनस इट विल ब्रेक इनटू एच प्लस एंड ओ एच माइनस ठीक है दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग लेकिन खैर वी कैन अज्यूम हमारे लेवल पे ठीक है

सी बी कॉन्स्टेंट एट अस्टेंट टेम्परेचर एच टू ओ बी कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है जब इन दोनों को को मल्टीप्लाई टू वैल्यू क्या आएगी आएगी मैं उस को नया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज दिस एच प्लस एट इक्विलिब्रियम एंड ओ एच माइनस एट इक्विलिब्रियम दिस इज आई ऑनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कोई प्रॉब्लम ओवर हियर इंडरस्टैंडिंग आई ऑनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नोके ना लेट्स ऑल्सो वर्कआउट द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एंड यू नीड टू मेमराइज दिस वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू क्योंकि हम कैलकुलेशन में बहुत दफा इस्तेमाल करेंगे ठीक थी? है ठीक

माइनस लॉग टेन एच प्लस राइट अगर मुझे एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं मैं टेन टू द पावर पीएच कर सकता हूं टेन टू द पावर ये कर सकता हूं ठीक है माइनस साइन इधर लेके जा रहा हूं इसको प्लस कर रहा हूं सो व्हाट विल हैपन इज दिस विल कैंसल आउट एंड आई विल गेट द फॉर्मूला दैट इज टेन की पावर माइनस पी एच h plus and i know what the ph is the ph is 7. की so, जब जब आपका neutral है, जब आपका है है और 25 degree Celsius पे हो तो पानी टेन टू द पावर माइनस सेवन होती है राइट right? अच्छा अब इससे के डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं टू आउट दी के डब्ल्यू की वैल्यू के डब्ल्यू क्या था एच प्लस <coughs>

And I will get my value for the ionic product of water that is ten to the power minus forty. So this is a value that you need to learn. Kw is the ionic product of water ten to the power minus fourteen at twenty five degrees Celsius. A core cheese we all know that these equilibrium constants were constant for a temperature. एक टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट है अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो फिर नहीं so, here, ये यह नहीं होगा कि पूरे वक्त पूरी जिंदगी कॉन्स्टेंट आपने टेम्परेचर एक रखा हाँ फिर कॉन्स्टेंट रहेगा अगर आपने टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी तो फिर ये चेंज करेगा राइट सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ तो फिर कुछ और होगी आयन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ये नहीं होगी ठीक है अब हम निकाल लेते हैं इस तरीके के थ्रू कैलकुलेटिंग दी एच ऑफ एसिड्स स्ट्रॉग एसिड दिसकआउट दिस इज अ अट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एल्कली वंस अगेन व्हाट वॉट ड्रग एल्कली डू कंप्लीटली आयोनाइज राइट सो इट विल कंप्लीटली आयोनाइज once again what's going to happen it is going to completely give me oh minus theek hai to mujhe completely toot ke na plus oh minus de raha hoga let's write this down over here as well <coughs> so basically NaOH की जो concentration होगी वो किसके बराबर होगी NaOH टूटा Na plus और OH minus. तो OH minus की भी concentration इसी के बराबर आ रही होगी क्यों बिकॉज एक NaOH एक ही OH minus release कर सकता है Right? So basically the concentration of OH is यही चीज़ ठीक है है इतनी बात हमें समझ में आ गई अब मसला क्या है? PH निकालते हुए वाली तो H लेती है है तो तो मुझे इसको convert करना है into the concentration of H+. तो वो कैसे होगा थ्रू दॉटर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है दैट इज एच प्लस ओ एच माइनस सो वी नो इज पावर माइनस फोरटीन एच प्लस मुझे निकालनी है मुझे ओ OH माइनस पता है वो ये जीरो 0.025 एंड सो आई कैन वर्क आउट एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सो जस्ट डिवाइड 10 पावर माइनस फोर्टीन बाई दिस वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज फोर 10 टू पावर माइनस थर्टीन राइट एंड नाउ अगर मैं आपको बोलूं भाई पीएच निकाल दो तो पीएच क्या होती है माइनस लॉग टेन पावर माइनस थ्री कुछ भी नहीं करना देखो, में क्या था? में तो H की आ करेगा सो इसमें तो डायरेक्ट था तरीका तो डाल दिया एच प्लस राइट स्ट्रॉन्ग एल्ली में क्या मसला है ये डिसोसिएट करता है कंप्लीटली एच प्लस रिलीज नहीं कर सकता ये माइनस OH रिलीज करेगा राइट right? अब पीएच की इक्वेशन क्या लेती है पीएच की इक्वेशन एच प्लस लेती है वो ओएच माइनस एक्सेप्ट नहीं करती तो आपके क्या करना पड़ेगा आपको ओएच OH माइनस को एच प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट एंड हाउ डू यू डू दैट यू रिलाय ऑन द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको ओएच OH माइनस की कंसंट्रेशन पता है आपको एच प्लस की निकालनी तो आप क्या इस्तेमाल करोगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यू यूज के डब्ल्यू इक्वल्स टू एच प्लस ओएच माइनस

नाउ यू विल सी दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ये एन एच था यह क्या है यानी यह कितने ओ एच माइनस रिलीज करेगा हाउ मच ओ एच माइनस इज दिस गोइंग टू रिलीज वन बी एच टू इज गोइंग टू रिलीज 2oh- ठीक है अलमा ये समझ में आ रहा है सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव अ गुड लुक एट योर अल्कली और एसिड जो भी दिया हुआ है आपको ठीक है अच्छा फिर आपने ये कर लिया अब मुझे क्या पता है मुझे पता है अगर ये 0.025 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा अगर मैं यहां पे तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी व्हिच इज 0.05 ठीक है ये भी हो गया अब मसला क्या है ये तो oh- की कंसंट्रेशन है I don't need that. Yes, not each of the whole OH minus. Pura OH minus, jo bhi solution mein bhi present hai, us sab ki. ठीक है? क्योंकि तो ये dissociate करेगा तो सारा OH minus इससे आ रहा है. सही so, है. Yeah. अब मसला क्या है? I know the OH minus, but I need H plus. क्योंकि pH वाली equation क्या लेती है? H plus लेती है. So I need to convert this into H plus. वो कैसे होगा? Through the ionic product of water. H plus एच माइनस्यू इज टू दावर माइनस मुझे नहीं पता मुझे And then lastly, you want to know the pH, you're going to say minus log 10 2 into 10 to the power minus 30. 12.7. Say so, yeah. <clears throat> neutrality is achieved when h plus equals to oh minus. pH equals to 7 is neutral for only 25 degrees Celsius. This is something that is very important. It's It's not included here as something to learn. It's something to to learn. make you understand. Ek pH constant नहीं रहती। अगर आपका टेम्परेचर 25 फाइव डिग्री सेल्सियस नहीं है तो उस टेम्परेचर पे न्यूट्रैलिटी की पी एच नहीं है दिस इज वेरी डिफरेंट दिस इज वेरी weird. ठीक है क्योंकि हमने हमेशा pH 7 बोला है.

ठीक है न्यूट्रल होगा वो इसमें एच प्लस एच माइनस बराबर है लेकिन न्यूट्रलिटी की पीएच कुछ और है उसका एक सिंपल सा वजह बताऊं क्यों रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ना इफ फिर गोइंग टू इंक्रीज देश रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा राइट right? ज्यादा आयनाइजेशन होगी अगर ज्यादा आयनाइजेशन होगी तो ज्यादा एच प्लस आना शुरू हो जाएंगे एच प्लस आएंगे तो क्या होगा पीएच ज्यादा आएगी स्ट्रॉन्गर साइड पे जाएगा ये तो इसलिए हायर टेम्परेचर पे पी बढ़ जाती है न्यूट्रलिटी की अभी भी एच प्लस ओ एच माइनस बराबर है लेकिन एच प्लस ओ एच माइनस ज्यादा तादाद पी एच ऑफ न्यूट्रलिटी इज गोइंग टू चेंज ठीक है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं

Then, H plus concentration is this 51 into 10 to the power minus 14. Batao kya hai <coughs> So आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे Kw बढ़ेगा क्यों बिकॉज हमने क्या पढ़ा था

लेकिन क्योंकि आप अभी भी अभी भी न्यूट्रल हो तो ये दोनों बराबर ही होंगे राइट एंड यू कैन डू दिस कैलकुलेशन यू यूट डिफरेंट पी एच एस डिफरेंट टेम्परेचर सो एट अंड्रेड डिग्री सेल्सियस पी एच ऑफ न्यूट्रलिटी सिक्स पॉइंट वन फाइव तो उस वक्त जब आप टाइट्रेशन कर रहे होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट कब आएगा सिक्स पॉइंट वन फाइव पे आएगा इनस्टेड ऑफ सेवन राइट यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन पर से इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये समझ लो कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो पीएच भी चेंज कर सकती है और उसका हम कैसे बताएंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इज गोइंग टू हेल्प अस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा और उस केस से फिर पी हम अंदाजा करेंगे ठीक है अच्छा